राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कांग्रेस सरकार द्वारा धान में खरीदी में अव्यवस्था व किसानों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा जिला कोरबा का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान बैरिकेटिंग तोड़ भाजपाइयों ने की कलेक्टोरेट घेराव की कोशिश। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच हुई झूमाझटकी। कलेक्टोरेट घेराव में नाकाम 5000 भाजपाइयों ने दी गिरफ्तारी। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, जिला संगठन प्रभारी गिरधर गुप्ता, जिला संगठन सह प्रभारी विक्रांत सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल। इस आंदोलन में कुल मिलाकर के 5000 लोगों की प्रतीकात्मक गिरफ्तारी की गई है और उनका भी यही कोसाबाड़ी चौक में ही कन्फाइन किया गया है और प्रतीकात्मक गिरफ्तारी करके उनको यहां से रिहा भी कर रहे हैं। क्या मांगे थी सर उन लोगों ने? और किसानों के मुद्दे को लेकर के यहां पे उनका प्रदर्शन था, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो, पूरे धान खरीदी का मामला हो, बारदाने की मामला हो, इस तरह के बहुत सारे मामले थे। सर किसी प्रकार की झड़प उड़प? हल्की सी झड़प हुई है, बाकी किसी को कुछ तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। ठीक है। आंदोलन आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या स्थिति रही, क्या प्रमुख मांगे हैं? आज का धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से पूरे प्रदेश में वैसे तो 22 तारीख को हुआ था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने विचार किया कि खरीदी के अंतिम दिन में जो मुद्दे रह जाएंगे उसको लेकर पूरा प्रदेश में संदेश देने की पार्टी की योजना थी। और इस कड़ी में आज मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जो किसानों का रकबा कटा हुआ है और छत्तीसगढ़ में अभी भी 30% किसान धान नहीं बेच पाए हैं, उनको फिर से रकबा जोड़कर और एक महीने के समय अवधि खरीदी के लिए बढ़ाएं। साथ ही जो पिछले साल का जो धान का पैसा अभी तक नहीं मिला है, 14 माह हो गया है, उसको भुगतान की मांग की है। 2 साल के पिछला जो बोनस सरकार ने वादा किया था उसको नहीं दिया है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में किसानों को बारदाना के नाम पर और मौसम खराब के नाम पर और खरीदी केंद्रों में जगह नहीं है, इन सब विभिन्न बहाने करके सरकार जो किसानों का धान नहीं खरीदी है और उस कारण से अभी प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं जो अपनी धान नहीं बेच पाए, इसलिए मुख्य रूप से 1 माह का समय अवधि बढ़ाने के लिए और जो सरकार पिछला भुगतान है उसको करने के लिए ये धरना प्रदर्शन। किसान नेता है, दिल्ली के बॉर्डर में भी किसान बैठे हुए हैं कृषि कानून के विरोध में, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पूरे भारतवर्ष किसानों का देश है और भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसानों के लिए समर्पित रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आप केंद्र में देखेंगे जिस प्रकार से वहाँ किसान लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 बार से ऊपर कोई ना कोई मंत्री या प्रधानमंत्री किसानों से चर्चा किए हैं और उन्होंने लगभग किसानों के सभी शर्तों को मानते हुए जो जन उपयोगी हो किसानों के हित में था उन्होंने माना। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार से लाल किले में तिरंगा का अपमान किया गया और ऐसे शरारती तत्व जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो किसानों के बीच में घुस के अपनी राजनीति चमका रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे देश भर में प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है। ठीक, ठीक, ठीक।